सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी रेसिंग बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताइए कि कल एचआरडी मिनिस्टर का लाइव सेशन है, मतलब कल एचआरडी मिनिस्टर फिर से लाइव आने वाले हैं बोर्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशली, और टीचर से बातें करेगी कि कब स्कूल्स खोलने हैं, कब बोर्ड एग्जाम करवाने हैं, मतलब इस तरीके की बातें करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर क्लास 9th और 11th के रिगार्डिंग कोई बड़ा अपडेट आएगा। दूसरा बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर बोर्ड एग्जाम को लेकर डेटशीट पे कोई वो फाइनल रिपोर्ट देगी या नहीं देगी, मतलब बच्चों को काफ़ी सारे डाउट हैं। तो गाइज सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो बच्चों का ये क्वेश्चन है कि कल का लाइव सेशन देखने का कोई फ़ायदा है या फिर लास्ट टाइम की तरह आके सिर्फ वो वेस्ट ऑफ टाइम ही करेंगे। मतलब एचआरडी मिनिस्टर का कल लाइव सेशन देखे या ना देखे, ये मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन है। तो गाइज जेन्युइन क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा और ये आंसर आप सुन के पूरे सेटिस्फाई हो जाओगे। लेकिन गाइज ये आंसर देने से पहले गाइज आप सभी को आपकी एक काम की, काफ़ी काम की एक चीज़ बताऊँगा जो आप सुन के काफ़ी ज़्यादा आपको यूज़फुल और काफ़ी काम आएगी आपके आगे फ्यूचर में। तो चलो गाइज मैं आपको पहले वो चीज़ बता दूँ। तो गाइज मैं सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी अभी आप सभी स्टूडेंट के लिए करियर क्वेस्ट लेकर आई है। गाइज करियर क्वेस्ट के अंदर जो टॉप एजुकेटर है, टॉप एक्सपर्ट है, वो आप सभी को आपके करियर के बारे में डिस्कशन करेगी। मतलब लाइव सेशन होगा, उस लाइव सेशन के अंदर आप सभी को बताया जाएगा कि आपको करियर आगे, आप क्लास 10th में तो आपको क्लास 12th में आगे या फिर क्लास 11th में क्या लेना चाहिए या फिर क्लास 12th के बाद में आपको क्या करना चाहिए, आपकी पूरी करियर की गाइडेंस दी जाएगी। वेल एक्सपीरियंस पर्सन आपको अपने आपके करियर के बारे में बताएगी, आपके साथ डिस्कशन करेगी। गाइज देखो, करियर की बातें बहुत कम लोग बताते हैं क्योंकि करियर ऐसी चीज़ आप अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही आप अपने फ्रेंड्स वगैरह साथ डिस्कस कर सकते हो। जो एक्सपीरियंस है, जो सक्सेसफुल पर्सन है, उसी के साथ आप करियर की बातें डिस्कस कर सकते हो। पहले गाइज आपको करियर की बातें डिस्कस करने के लिए या फिर कोई सेमिनार में जाना पड़ता था, लेकिन गाइज अब अकेडमी के अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करना है, एनरोल करना है, जिससे आप जब भी करियर क्वेस्ट स्टार्ट हो उस टाइम आपको अपडेट मिल जाए। गाइज करियर क्वेस्ट के अंदर 5 सक्सेसफुल पर्सन आपको आपके करियर की टिप्स देगी, आपको राय देगी, आपको आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपसे आपके सामने कई सारी बातें करेगी। तो गाइज अभी डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके एनरोल कर लो। गाइज एनरोल करते टाइम कई बार आप सभी से इन्विटेशन कोड मांगा जाता है, तो गाइज इन्विटेशन कोड के अंदर आप जीपी एडवाइस 10 कोड लगा देना, आप फ्री में करियर क्वेस्ट के अंदर ज्वाइन कर पाओगे। और अगर मैं वापस रिपीट कर दूँ, जो भी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ये सब कुछ एकदम फ्री है। तो गाइस जरूर एक बार जाके डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पे क्लिक करके एक बार जरूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो गाइस देखो, कल जो एचआरडी मिनिस्टर का लाइव सेशन है वो टीचर्स के लिए है, स्पेशली टीचर्स से वो डिस्कस करेगी कि बोर्ड एग्जाम कब से स्टार्ट करें। दूसरा वो ये डिस्कस करेगी कि इस बार बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन लेने चाहिए, ऑफलाइन लेने चाहिए, या फिर जो क्लास 9th और 11th के एग्जाम है वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये सारी बातें डिस्कस करेगी। दूसरा वो ये डिस्कस करेगी कि जो जी मेंस की डेट्स है, मतलब जी मेंस इस बार 4 बार करवाए या ना करवाए, ये सारी बातों को डिस्कस करेगी कल के लाइव सेशन में। हो सकता है गाइस कि कोई बड़ा अपडेट भी कल लाइव सेशन में मिल जाए, लेकिन गाइस अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप टेंशन मत लो, आप कल का लाइव सेशन मत देखो। अगर कोई बड़ा अपडेट आएगा तो यूट्यूब पे मैं वीडियो बना के बता दूंगा या फिर कोई भी यूट्यूबर उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के इन्फॉर्म कर देंगे। अगर टाइम है तो देख लो, अगर टाइम नहीं है तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं इसके रिगार्डिंग अगर कोई बड़ा अपडेट होगा तो मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे गाइज कल का जो लाइव सेशन है वो स्पेशली बोर्ड क्लासेस के लिए, बोर्ड क्लासेस के लिए कल उम्मीद तो नहीं करता मैं, क्योंकि लास्ट टाइम अपनों ने बहुत उम्मीद की थी लेकिन कोई बड़ा अपडेट दिया नहीं। तो गाइज चांस है कोई बड़ा अपडेट क्लास 10th और 12th के लिए हो सकता है डेटशीट के रिगार्डिंग, और ये भी चांस है कि क्लास 9th और 11th के ऑनलाइन एग्जाम हो गए ऑफलाइन हो गए उसके रिगार्डिंग कंफर्मेशन दे दें। वैसे गाइज कंफर्मेशन तो काफ़ी आ रखी है, इसके बारे में भी कंफर्म कर सकते हैं और स्कूल्स कब से खुलेगी ये बातें भी बता सकते हैं। कल का लाइव सेशन गाइज ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ भी कब क्या इंपॉर्टेंट हो जाए अपने कुछ भी फ्यूचर को नहीं तय कर सकते, मतलब कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। बस मैं आपको इतना ही बोलूँगा, अगर आप आपके पास में टाइम है तो आप लाइव सेशन ज़रूर देखो। अगर आपको पास टाइम नहीं है या आपको लगता है कि टाइम वेस्ट करेंगे तो आप मत देखो। मैं इसके रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि लाइव सेशन में उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, तो गाइज इसके रिगार्डिंग टेंशन मत लो। अगर कोई दूसरा अपडेट होगा आपके लाइक तो मैं जरूर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है जरूर शेयर करना, टेंशन मत लो, जैसा आप सभी सोच रहे हो उसी तरीके से ही डिसीजन होगी, उसी तरीके से ही CBSE वर्क करेगी। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज नहीं कर पे रहो, सेफ रहो।